हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबको पता ही होगा कि दिवाली अभी कुछ ही दिन दूर है और इस दिवाली पे और नए साल पे आपको कई सारे तोहफे मिलेंगे। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ आया हूँ एक छोटा सा तोहफा देने, जो है सोलर इक्लिप्स के फॉर्म में। यस, 25 अक्टूबर 2022 को एक सोलर इक्लिप्स होने वाला है जो भारत में भी दिखा जाएगा। इस वीडियो में हम उस सोलर इक्लिप्स रिलेटेड आपको सारी जानकारी देंगे और इसके लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर जॉय भाई, जो है अवकाश एस्ट्रोनॉमी क्लब के को फाउंडर, एक फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट और मेरे अच्छे दोस्त भी। सो वेलकम जय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल एंड थैंक यू मिलन। वेलकम। तो जैसे आप सबको मिलन ने बताया कि 25 अक्टूबर को हमारे इंडिया में सोलर इक्लिप्स देखा जाएगा, तो ये जो मिलन सोलर इक्लिप्स होने वाला है वो स्पेशली पार्सल सोलर इक्लिप्स है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स, ये इक्लिप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेडो, एक ऐसी समरी आज हम प्रेजेंट करेंगे। और तुमको एक चीज़ पता होगी कि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को उसकी पूरी पूरी जानकारी नहीं होती, तो वो नेकेड आई देखते हैं, जो सोलर इक्लिप्स होता है उसको नेकेड आई देखते हैं, विच इज़ हानिकारक होता है उनके आइज के लिए। तो आज के वीडियो में हम समरी के साथ साथ ये प्रिकॉशन और सेफ्टी भी ध्यान में रखेंगे। तो बिना वक्त जाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए फिर शुरुआत कर करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने बात की कि 25 अक्टूबर को हमारी इंडिया में सोलर इक्लिप्स होने वाला है, तो ये स्पेशली पार्सल सोलर इक्लिप्स है। तो चलिए आज जानते हैं कि सोलर इक्लिप्स क्या है। तो सोलर इक्लिप्स को जानने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड कि ये इक्लिप्स एक्चुअली में होता क्या है। तो एन इक्लिप्स अकर व्हेन वन हेवीली बॉडी सच एज अ मून और प्लैनेट मूव्स इनटू द शैडो ऑफ अनदर हेवीली बॉडी। अगर मैं सिंपली बताऊँ तो क्या होता है कि जो सनरेज आती है सन से, वो डायरेक्टली फॉल ऑन टू द अर्थ। पर कई बार क्या होता है कि अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो उसका शैडो फॉल होता है अर्थ पे। तो यही जो फिनोमिना होती है वो इक्लिप्स में होती है। So there are generally two types of eclipse which we can observe from the earth. First is a lunar eclipse and second one is a solar eclipse. तो क्या होता है कि अगर sun और earth के बीच में sun और earth के बीच में अगर moon आ जाए तो moon का obviously shadow fall होगा earth पे। तो ये जो shadow का जो portion रहेगा अगर उसमें हम हो तो ये eclipse हमारे लिए होगा, ठीक है। और ये हो गया solar eclipse। और बात करें लूनर इक्लिप्स की, तो लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन के जो रेज आते हैं उसमें ऑब्स्टिकल बनता है अर्थ, तो अर्थ का एक शेडो फॉल होता है मून पे, जिससे लूनर इक्लिप्स होता है। सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल विच हैपन इन इक्लिप्स। तो देर आर जनरली टोटल टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्स, लाइक सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, जिसके हमने मैंने बात की। नाउ इक्लिप्स को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है, लाइक शेडो। शेडो का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इक्लिप्स में। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ शेडो विच कास्ट बाय टोटल सोलर इक्लिप्स। फर्स्ट इज अम्ब्रा, देन सेकंड इज अ पेनम्ब्रा एंड थर्ड वन इज एंटम्ब्रा। तो आपको सवाल होगा कि यार ये अम्ब्रा, पेनम्ब्रा, एंटम्ब्रा क्या होता है। तो मैंने यहाँ एक इमेज दिखाई है जिसमें जो सन के रेज आ रहे हैं वो फॉल ऑन टू द अर्थ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक शेडो क्रिएट हो रहा है अर्थ के पीछे, कुछ डार्क है, कुछ लाइट है, कुछ ज़्यादा लाइट है। तो ये जो डार्केस्ट पोर्शन हो गया उसको हम अम्ब्रा बोलते हैं, जो साइड में हो गया उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं, और पीछे एक नॉड क्रिएट होने के बाद एंटम्ब्रा हो गया। इसको हम अच्छे से इलेबोरेट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि अम्ब्रा क्या होता है। सो अम्ब्रा इज़ द सेंटर पोर्शन ऑफ द शैडो बींग द डार्केस्ट पार्ट। अगर आप यहाँ देखें, मैंने एक इमेज शो की है, इसमें लाइट एक पेंसिल पे फॉल कर रही है, ठीक है। तो उसके पीछे एक सिंपल एक डार्केस्ट पोर्शन क्रिएट हो रहा है, शायद आप देख सकते हैं कि ये जो हो गया वो कम्प्लीटली डार्क शेड हो गया, उसको हम बोलते हैं अम्ब्रा, ठीक है। तो अम्ब्रा कॉज्ड टोटल लूनर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स एंड पार्सल लूनर इक्लिप्स। नाउ पेनम्ब्रा क्या होता है, तो उसको हम समझ लेते हैं कि पेनम्ब्रा इज लाइक पार्शियली शेडेड आउटर रीजन ऑफ शेडो कास्ट बाय ऑपेक ऑब्जेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं, लाइक मैंने पहले स्लाइड में दिखाया कि ये जो डार्केस्ट पोर्शन हो गया उसके साइड में आप लाइटर पोर्शन देख रहे हैं जो इससे थोड़ा सा ही कम डार्क है, ठीक है। तो
ये जो पोर्शन हो गया वो पेनम्ब्रा हो गया, ठीक है। तो पेनम्ब्रा की वजह से हमें जो जो लाइक पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखता है, पार्शियल लूनर इक्लिप्स दिखता है और पेनम्ब्रल पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स दिखता है, ठीक है। यहाँ मैंने एक इमेज फिर से शो की है, ये हो गया हमारा अम्ब्रा रीजन। देन ये जो लाइटर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा, ठीक है। तो एंड थर्ड वन इज अ एंटम्ब्रा। तो ये जो एंटम्ब्रा है इज अ ब्राइटर पार्ट ऑफ द शेडो, ठीक है। लाइक यहाँ आप देख सकते हैं कि जो शेडो फॉल हो रहा है अर्थ पे, उसके पीछे एक नॉड क्रिएट हो रहा है, जो सन रेज एक नॉड क्रिएट करता है, उसके पीछे का जो ये पोर्शन रहेगा वो हमारा एंटम्ब्रा हो गया। ओके, तो ये मैंने तीन आपको दिखाए शेडो, फर्स्ट इज अम्ब्रा, देन सेकंड इज अ पेनम्ब्रा एंड थर्ड वन इज अ एंटम्ब्रा। अगर आप डिफरेंस देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फर्स्ट इमेज है इसमें यहाँ जब यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ लाइट फॉल हो रही है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है वो अम्ब्रा हो गया। नाउ सेकंड इमेज में क्या है कि सन रेज लाइक कोई मेरे पास कोई लाइट सोर्स है जिसकी लाइट रेज फॉल हो रही है यहाँ, तो ये पोर्शन हो गया हमारा अम्ब्रा। देन इसके साइड में जो क्रिएट हो रहा है वो हमारा क्रिएट हो रहा है पेनम्ब्रा। और थर्ड वन जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नॉड क्रिएट हुआ है जिसके पीछे का ये जो पोर्शन रहेगा वो हमारा हो गया एंटम्ब्रा। अगर ये एक्चुअली कैसे हम इक्लिप्स में देख सकते हैं कि अगर मान लो कि आप अम्ब्रा रीजन में हैं तो आपको ये जो इक्लिप्स है वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसको हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। अगर मान लो कि आप पेनम्ब्रल रीजन में हैं कि जहाँ जो शेडो होता है वो थोड़ा लाइटर होता है तो आपको दिखेगा पार्शियल सोलर इक्लिप्स लाइक दिस। एंड अगर आप एंटम्ब्रा में हो मानी कि जो सनरेज फॉल हो रही है वो एक नॉड क्रिएट करने के बाद आपके तक आ रही है और जो शेडो कास्ट होगा वो एंटम्ब्रा होगा तो आपको एन्युलर सोलर इक्लिप्स दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन दिस शेडो। ओके नाउ ओके, तो अगर लाइक आपको कोई भी क्वेरीज और क्वेश्चन है तो आप हमें लाइक वीडियो की कॉमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ हम देखते हैं कि व्हाट इज अ सोलर इक्लिप्स, तो जिसकी जो हमें 25th को दिखाई देगा इसकी हम बात करें कि इक्लिप्स एक्चुअली होता क्या है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, जिसकी मैंने आगे ही बात की कि अ सोलर इक्लिप्स हैपन व्हेन एट जस्ट द राइट मोमेंट द मून पास बिटवीन सन एंड अर्थ, कि जो मून होगा वो अर्थ और सन के बीच में से अगर पास हो रहा है और मून का शेडो अर्थ पे फॉल हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कई तरह के टाइप्स होते हैं कि सोलर इक्लिप्स में, लाइक जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इंडिया में जो दिखाई देने वाला है वो है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। ओके जस्ट वेट, तो ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स कुछ ऐसा दिखेगा। देर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स, फर्स्ट वन इज अ पार्शियल, देन सेकेंड इज अ एन्युलर इक्लिप्स एंड थर्ड वन इज अ टोटल सोलर इक्लिप्स। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि जो मून का डिस्टेंस है वो अर्थ से कितना दूर है, ठीक है, उसके बेस पे और साइडों के बेस पे ये जो टाइप्स होते हैं वो इलेबोरेट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ पार्शियल इक्लिप्स, देन सेकंड इज अ एन्युलर इक्लिप्स एंड थर्ड वन इज अ टोटल इक्लिप्स। ओके नाउ हम इसको सेपरेटली इलेबोरेट करें तो फर्स्ट वन इज अ टोटल सोलर इक्लिप्स। तो आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये दिखाई दे रही है टोटल सोलर इक्लिप्स की, ठीक है। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि जो मून होता है वो एग्जैक्टली जो हमारा सन होता है उसको कवर कर देता है, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ कि टोटल सोलर इक्लिप्स हैपन व्हेन न्यू मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ कास्ट द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो एंड अम्ब्रा। अगर आप अर्थ पे है और जो शेडो फॉल हो रहा है अर्थ पे वो अम्ब्रा के रीजन में है और आप भी अम्ब्रा रीजन में हैं तो आपको दिखाई देगा टोटल सोलर इक्लिप्स। ड्यूरिंग अ टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन द मून कवर्स द एंटायर डिस्क ऑफ द सन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये पूरा मून होगा वो सन को पूरे का पूरा कवर कर देगा एंड जो उसके साइड का जो रीजन होगा जो पेनम्ब्रा होगा वहाँ पार्शियल इक्लिप्स होगा, ठीक है। नाउ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल इक्लिप्स कहाँ दिखाई देता है, ये जो सनरेज आ रही है सन से वो मून पे फॉल हो रही है, ठीक है। सो मून से फॉल होने के बाद ये एक उम्ब्रा रीजन है, मे बी यू कैन सी दैट ये जो थोड़ा
स्काई ब्लू कलर है, वहाँ के रीजन में आप अम्ब्रा रीजन है, ठीक है, वहाँ आप टोटल सोलर इक्लिप्स को देख सकते हैं, लाइक वो ऐसा दिखाई देगा। नाउ एक दूसरी इमेज है, यहाँ अम्ब्रा और पेनम्ब्रा को आप सेपरेटली समझ सकते हैं। ये जो पॉइंट होगा, इसको पॉइंट को हम बोलते हैं पाथ ऑफ टोटालिटी, कि यहाँ के रीजन में ही आप टोटल सोलर इक्लिप्स को देख सकते हैं, और उसके आसपास का जो रीजन होगा वो तो पेनम्ब्रा हो गया, जिसमें आपको पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ टोटालिटी, कि कहाँ कहाँ टोटल सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा, ठीक है। आप कई मैंने वेबसाइट मेंशन की है लास्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हो रहा है उसमें कैसा दिखाई देगा, उसका पाथ कैसा है, ठीक है, वो लास्ट में मेंशन कर दूंगा मैं। नाउ टॉकिंग अबाउट ओके नॉट टोटल एवरीवेयर, यस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिलेक्टेड रीजन में ही वो टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, जो अम्ब्रा रीजन है उसमें ही वो टोटल सोलर इक्लिप्स रहेगा, आजू बाजू में जो साइड के एरिया है वहाँ वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स, तो ये भी क्वेश्चन है कि यार ये पार्शियल क्या है, ठीक। तो पार्शियल में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अम्ब्रा में नहीं है, आप पेनम्ब्रा में हैं, तो आपको पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा। ड्यूरिंग अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स द मून द सन एंड अर्थ डोंट अलाइन इन परफेक्टली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये परफेक्टली नहीं होगा और आप वहाँ होगे पेनम्ब्रा रीजन में। ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन होगा थोड़ा लाइटर रीजन होगा, ये पेनम्ब्रा रीजन है। अगर आप पेनम्ब्रा रीजन में हैं तो आपको पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा, और ये जो 25th अक्टूबर को जो दिखाई देगा वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझे, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब मून सन एंड अर्थ कम्प्लीटली एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन नहीं होगे, तब पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है, उस टाइम आप पेनम्ब्रा रीजन में होते हो, ओके। नाउ कुछ तस्वीरें दिखते हैं जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखता कैसा है। तो ये देखिए, जिसमें मून ने कितना सन को कवर किया है, दूसरी इमेज है जिसमें मैंने दिखाया है कि कैसे मून एंटर होता है और कैसे एग्जिट लेता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं धीरे धीरे कि मून सन में एंटर हो रहा है, दिस इज मैक्सिमम मे बी, एंड वैसे वो एग्जिट ले रहा है। तो ये हो गया हमारा पार्शियल सोलर इक्लिप्स। कुछ और भी तस्वीरें जो मैंने गूगल से ली है, ओके, सो 25th को जो दिखाई देगा इंडिया में वो कुछ इस तरह से होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट एन्युलर सोलर इक्लिप्स, तो ये क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो मून और अर्थ का डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसमें वो पूरा का पूरा कवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो एन एन्युलर सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द सन एंड मून आर एग्जैक्टली इन द लाइन विद द अर्थ, बट द अपेरेंट साइज ऑफ द मून इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द सन, हेंस द सन अपीयर्स एज अ वेरी ब्राइट रिंग। सो अगर आप इसकी इमेज देखें, आई जस्ट ओके पहले ये देख लीजिए कि एक्चुअली होता कैसे है। ये हो गया हमारा अम्ब्रा रीजन, देन ये पेनम्ब्रा, और ये जो रेज होती है वो एक नॉड क्रिएट करती है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो इसकी वजह से एक नॉड क्रिएट हुई और उसके पीछे एक एंटम्ब्रा रीजन क्रिएट हुआ, और अगर आप एंटम्ब्रा रीजन में हैं तो आपको कुछ इस तरह से ये इक्लिप्स दिखाई देगा, लाइक दिस। ये जो आप देख रहे हैं ये है एन्युलर सोलर इक्लिप्स, जिसमें वो कवर तो हो रहा है पर पूरा कवर नहीं हो रहा है ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। कुछ और तस्वीरें हैं, ठीक है, इसमें मैंने दिखाया है कि कैसे मून एंटर हो रहा है इक्लिप्स में, कैसे पूरे का पूरा कवर करता है और वो एग्जिट कैसे लेता है। ओके, तो ये डायमीटर का एक रेशियो मैंने दिखाया है, जिसमें सन का डायमीटर मेंशन किया है और मून का डायमीटर मेंशन किया है। जब ये दोनों डायमीटर सेम होते हैं तब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। नाउ लाइक यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बेसिक डिफरेंस कि क्या होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स में, एन्युलर सोलर इक्लिप्स में और टोटल इक्लिप्स में, ठीक है। लाइक ये और ये हो गया हमारा पार्शियल, ये हो गया हमारा एन्युलर इक्लिप्स, और ये हो गया टोटल सोलर इक्लिप्स, ओके। तो आपको एक बेसिक तो क्लियर हो चुका होगा कि इक्लिप्स होते क्या है, उसमें
किस तरह के शेडो होते हैं और किस तरह के शेडो कैसे इक्लिप्स क्रिएट करते हैं वो। अब ये जो 25th अक्टूबर को ये जो पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा वो हमारा इस साल का दूसरा पार्शियल सोलर इक्लिप्स है, एंड ये होगा यूरोप, नॉर्थन अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, यहाँ ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा। मे बी 25th अक्टूबर दिस ईयर्स लास्ट पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ये जो रहेगा वो इस साल का लास्ट सोलर इक्लिप्स रहेगा। ये जो होगा वो 24-25th को, ठीक है। द पार्शियल सोलर इक्लिप्स विल बी विजिबल फ्रॉम यूरोप, यूरल्स एंड वेस्टर्न साइबेरिया, सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न एशिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका। कि ये जो है कि ये जो पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो रहा है, नॉट ओनली इंडिया, इंडिया के अब्रॉड भी कई सारे देश है जहाँ ये दिखाई देगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सिलेक्टेड पोर्शन, कि यहाँ आप देख सकते हैं, मे बी यू एबल टू सी दैट दिस वन इज़ अ डार्केस्ट एरिया। कि मैंने आपको बोला पहले कि इक्लिप्स का भी एक मैप होता है, तो ये जो है पार्शियल सोलर इक्लिप्स का है। कि यहाँ से अगर आप देखें तो आपको मैग्नीट्यूड हाई मिलेगा, मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि अगर टोटल सोलर इक्लिप्स है तो जो इक्लिप्स का मैग्नीट्यूड होगा वो एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर एन्युलर सोलर इक्लिप्स है तो एक से थोड़ा कम होगा, और उससे थोड़ा कम होगा तो वो हो जाएगा पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो बेस्ड ऑन दैट मैग्नीट्यूड एक इक्लिप्स मैप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ जो होगा थोड़ा मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, यहाँ थोड़ा कम रहेगा और उससे थोड़ा कम यहाँ। अगर गुजरात की मैं बात करूँ, गुजरात में सिलेक्टेड एरिया लाइक आनंद जहाँ हम रहते हैं उसकी हम बात करूँ, तो 25th अक्टूबर को ये दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम होगा वो होगा 4:39 को ये स्टार्ट होगा, और जो मैक्सिमम होगा वो 5:38 पे वो मैक्सिमम होगा। एंड जो मैग्नीट्यूड रहेगा, जिसकी मैंने आपको पहले ही बात की कि मैग्नीट्यूड एक्चुअली है क्या, कि मैग्नीट्यूड ये दिखाता है कि वो कितना डायमीटर कवर करता है, ठीक है। जो मून और जो सन है उसमें वो कितना डायमीटर कवर करता है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन गिव मैग्नीट्यूड ऑफ इक्लिप्स, ओके। तो वो रहेगा 0.4। अगर टोटल इक्लिप्स है, अगर आपको समझना है इजीली मैग्नीट्यूड को आप समझना है, तो जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है उसमें सन पूरा का पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 1 से ज़्यादा रहेगा। तो आप अब एक लाइक आप समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड 0.4 का मतलब क्या होगा। ये जो एंड होगा वो शाम के 6:05 पे ये ख़त्म हो जाएगा, लाइक सनसेट भी उसी टाइम होगा। तो एंड ड्यूरेशन जो होगा टोटल वो 1:25 रहेगा, और मैक्सिमम ये ऐसा दिखाई देगा। अगर आपको आपके रीजन की जानकारी चाहिए कि वहाँ से आपको कैसा दिखाई देगा, ये कब स्टार्ट होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सेफ्टी एंड प्रिकॉशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जब भी सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो आप उसको नेकेड आई कभी मत देखिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन होता है कि जो हमारी आइज के लिए हार्मफुल है। तो अगर आप सोलर इक्लिप्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें दिखाई है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। पहले तो होगा ये इक्लिप्स क्लासेस, जस्ट वेट, लेजर पॉइंट। एक मार्केट में एक इक्लिप्स ग्लासेस करके आते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कार्बन पॉलीमर होता है जो अल्ट्रावायोलेट लाइट आती है उसको ये ब्लॉक कर देता है। तो दिस वन इज़ द बेस्ट फॉर इक्लिप्स। दूसरा आता है ये एक वेल्डर ग्लास आता है, ठीक है। जो अगर आप मार्केट में जाएंगे फैब्रिकेशन में, तो वहाँ वेल्डर जो होता है वो एक ग्लास प्लेट यूज़ करता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको इमेज कैप्चर करनी है, ठीक है, तो आप एक टेलीस्कोप विथ प्रॉपर सोलर फिल्टर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और बट मेन चीज़ क्या है कि अगर आप देखना चाहते हो उसको नेकेड आई कभी मत देखिए, क्योंकि ड्यू टू द इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन ये आपके आई के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि आप सिंपल पिनहोल प्रोजेक्टर आप ले सकते हैं, लाइक अगर आपके पास कोई एक पेपर है उसमें आप सिंपल से एक छोटा सा होल बना दीजिए, ठीक है, तो उसमें आपको जो सन का प्रोजेक्शन है वो दिखाई देगा, जो उस होल से जो लाइट आएगी उसमें आप इक्लिप्स को प्रॉपरली देख सकते हैं। दूसरा, कई साइट्स होती है, यूट्यूब चैनल होती है, वो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करती है,
वहाँ से आप देख सकते हैं। और तीसरा है इक्लिप्स प्रोजेक्टर इन अ बॉक्स, कि अगर आपके पास एक बॉक्स है उसको आप एक जगह पर रख दीजिए, उसमें एक मिरर रख दीजिए, ठीक है, और मिरर का जो प्रोजेक्शन है वो आप किसी भी रूम में दे सकते हैं, कोई वॉल पे दे सकते हैं, तो वहाँ से आपको क्या होगा कि जैसे जैसे मून एंटर होता है, एग्जिट होता है, वो आपको क्लियरली दिखाई देगा, लाइक जैसे हम मूवी देखते हैं प्रोजेक्टर पर, वैसा ही आपको ये दिखाई देगा। तो दिज आर दी थिंग्स विच वी हैव टू मेंटेन इन अवर सोलर इक्लिप्स, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि आपको नेकेड आई कभी देखना नहीं है, आपको टेलीस्कोप से भी नेकेड आई कभी नहीं देखना है, क्योंकि टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स अगर आपके पास है तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बाइनोकुलर से देख लूँ या फिर टेलीस्कोप से, लेकिन वो आप नहीं देख सकते, क्यों वो जय बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो सोलर इक्लिप्स के दौरान जो लाइट आती है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली हार्मफुल होती है। हम टेलीस्कोप और जो बाइनोकुलर्स होते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा फंडा यूज़ होता है, वही ना कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो सभी लाइट्स को एक जगह पे पॉइंट आउट कर देता है। तो इस दौरान क्या होगा कि जो सनरेज होती है वो एक जगह पे पॉइंट आउट हो गई, तो उसमें क्या होगा, वो जो रीजन होगा उसमें वो ज़्यादा हीट क्रिएट करेगा। आपने कई एक्सपेरिमेंट देखे होंगे जिसमें विद यूज़ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास दे बर्न समथिंग, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया कि अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे और बाइनोकुलर से देखेंगे तो आपको एक लाइट बीम, जो हाईली इंटेंसिव एक लाइट बीम आपकी आंखों पे गिरेगी, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तो ये आपकी आई को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी, लाइक 80-90% आपकी आई को डैमेज करेगी। तो आपको ये प्रिकॉशन ध्यान में रखना है, और इंडिया में कई सारे मिथ्स है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप ये जो मेजर मैंने ये जो बात दिखाई है बताई है आप उसको ध्यान रखें और सोलर इक्लिप्स को एंजॉय कीजिए। प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू आर वॉचिंग सोलर इक्लिप्स, किसी बड़े के गाइडेंस में आपके कोई सर हो या फिर कोई साइंस कम्युनिकेटर हो या फिर कोई टीचर हो या फिर अपने पेरेंट्स, उनके सुपरविजन के अंडर ही आप सोलर इक्लिप्स देखें। कभी भी इसको नेकेड आई से मत देखें। अगर आपके पास टेलीस्कोप या फिर बाइनोकुलर है तो उसमें भी आपको सोलर फिल्टर की मदद से ही देखना पड़ेगा। अगर आपके पास सोलर फिल्टर नहीं है तो उसको साइड में ही रखिए, क्योंकि आप नहीं तो कोई दूसरा और इससे ट्राई भी करेगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने साइड में भी रखा है तो कई लोग आके डायरेक्टली वो ले लेंगे, तो आप उसको भी ध्यान रखिए कि अगर आपके पास है तो आप प्रॉपर सोलर फिल्टर लगा कर ही देखें, वरना ना देखें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सोलर इक्लिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियोज़ के लिए।